आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नाम की जो मेरी पुस्तक है, जो सन 54 के आसपास की है, उस पुस्तक में प्रयोगवाद पर लेख अलग है, प्रगतिवाद पर लेख अलग है, और प्रगतिवाद वाले लेखों में उस समय उनकी माझी न बजाओ बंसी केदारनाथ की कविता उद्धृत की है, बल्कि वो किताब के रूप में नहीं छपी थी, आए थे तो मैंने ले लिया था, शमशेर की कविताएं उसमें उद्धृत है, नागार्जुन की हैं। प्रगतिशील कविता का जहाँ, प्रगतिशील साहित्य का जहाँ जिक्र किया, उसमें सबसे इन्हीं लोगों का है, प्रयोगवाद से अलग किया है। ये समझ थी हमारी कि नई कविता के अंदर भी नई कविता एक नहीं है, उसमें भी अलगाव है, और ये धीरे धीरे स्पष्ट हो गया था जब तीसरा सप्तक निकला है। तो तीसरा सप्तक निकलते निकलते, क्योंकि आखिर में सच पूछे तो आत्महत्या के विरुद्ध ब्रेक है अज्ञे से अलग होने का, और श्रीकांत जी ने जो कृति निकाला था तो कृति ने एक तरह से अज्ञेयवादी साहित्य उसके बरक्स निकाला था, तो एक विकल्प और दूसरी परंपरा की चीज़ जो थी वो कविता में ही बन रही थी, बाकी चीज़ों में थी, और लिखते समय मेरे ध्यान में यही चीज़ थी कि दूसरे अलग करना चाहिए। और वैसे भी आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके सबसे प्रिय कवि शमशेर हैं। हाँ, तो लेकिन इस दृष्टि से तो माना जाए कि शमशेर पर उतना ज़्यादा आपने नहीं लिखा प्रिय रहने के बावजूद। एक आरोप आप पर और बहुत लगाया जाता है अक्सर कि, वैसे आपने खुद भी कहा वाद विवाद संवाद में, कि आपके निबंधों में वैचारिक असंगतियां मिल सकती हैं, तो जाहिर है बहुत अच्छे वक्ता हैं आप, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, आपका कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये एक आरोप बराबर आपके ऊपर लगाया जाता रहा है कि आलोचना की एक तरह की वाचिक परंपरा पूरी आपने एस्टेब्लिश की, लेकिन प्राय लोग कहते हैं कि, जैसे उन्होंने कहा कि मदन कश्यप ने, कि आपने कहा कि शमशेर आपके बहुत प्रिय कवि हैं लेकिन बाद में शमशेर पर कुछ बहुत लिखा नहीं, उस तरह से प्राय ये लोग कहते हैं कि ये अक्सर होता है कि एक बात को आप एक बार कहते हैं और बहुत जल्दी उसकी विरोधी बात आपके वक्तव्यों में सामने आ जाती। दृढ़ विश्वास और आस्था का दौर एक था जिसमें आप वेद वाक्य समझते थे अपनी बात को, साहित्य में कोई लोग सिद्धांतवादी लोग थे, जिस दौर में मेरा मैंने निर्माण हुआ मानसिक बौद्धिक पढ़ते लिखते सोचते हुए, उधेड़ बुन जिसे कहते हैं, तो साहित्य में आमतौर से हम निष्कर्षवादी साहित्य को बहुत ऊंचा साहित्य नहीं मानते हैं, उपन्यास में निष्कर्ष निकाल दिया, कविता कोई निष्कर्ष निकाल दे तो निष्कर्षवादी साहित्य कोई बहुत बड़ा होता हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, लेकिन आमतौर से वो कमज़ोर होता है। ये उधेड़पूर्ण दुविधा धीरे धीरे बढ़ती गई है मुझ में, और अगर वाल्ट व्हिटमैन ने कहा था कि यू कंट्रडिक्ट देन आई कंट्रडिक्ट, आई कंटेन मल्टीट्यूड, हाँ हाँ, तो वो खैर वो बड़े आदमी का होगा लेकिन अक्सर मैं वो दुविधा आज भी, आज तो और बढ़ गई है हमारी, अब ये इसको कमजोरी समझा जाए चाहे जो कहा जाए, लेकिन नहीं, मतलब एक अपने आप को लगातार करेक्ट करते रहने की प्रक्रिया, अपने आप को लगातार करेक्ट करते रहने की। कुछ लोग हैं जो एक बार हुआ तो मान लिया कि हम सही हैं, हम गलत हो ही नहीं सकते हैं, मैं अपनी गलती स्वीकार करने के लिए बार बार, इसका आलोचना के असमर्थता के रूप में देखते हैं या व्यावहारिक आलोचना का तकाजा मानते हैं? मैं इसे समझता हूँ कि ये उर्वरता का सूचक मानना चाहिए, एक कफन कहानी में कई अर्थ निकाले जा सकते हैं और निकले हैं, उसी तरह से एक कविता बार बार पढ़े उसमें नया अर्थ सोचता है। 70 के बाद समय और समाज की जद्दोजहद पर आप टिप्पणी तो करते रहे, लेकिन कविता को उसके साथ जोड़ के देखने का वह काम जो 70 के पहले की कविता में आपने किया बाद में आपने छोड़ दिया, तो ऐसे ही टिप्पणी की कविता पर, उसके सौंदर्य पर या स्वायत्त ढंग से कोई टिप्पणी किसी कवि पर, वो आप करते रहे लिखते रहे, लेकिन वो सुव्यवस्थित जो था, और आप देखिए कि 50 के दशक में
जब उस तरह की स्वायत्त टिप्पणियां हो रही थी तब अज्ञेय बहुत बड़े कवि थे, लेकिन जब आपने समय और समाज से जोड़ा और सारी चीज़ों का पुनर्मूल्यांकन किया तब ये सामने आया कि मुक्तिबोध उस समय के बड़े कवि थे। तो हो सकता है कि 70 के बाद की भी जो ये स्वायत्त टिप्पणियाँ हैं इससे अलग हटकर समय और समाज से जोड़कर फिर से आप देखें तो ये हो सकता है कि जिसे आप अभी महत्वपूर्ण कह रहे हैं वो ना होकर कोई दूसरा तीसरा कवि आपको ही महत्वपूर्ण दिखाई दे, ऐसा लगता है। मुझे इसका एक व्यावहारिक कारण भी दिखाई पड़ता है। आपकी व्यस्तताएं जब नई कविता के प्रतिमान लिखा गया उस समय तक, आपकी व्यस्तताएं उसे प्रोफेशनल व्यस्तताएं कहें या दूसरी ने आपके ऊपर साहित्यिक जगत का दबाव कि हर दूसरे दिन आपको कहीं भाषण देना है, कहीं उद्घाटन करना है, कहीं लोकार्पण करना है, इसने मेरा ख्याल है बहुत नुकसान किया है। क्योंकि मैंने तो आपको नई कविता के प्रतिमान की रचना प्रक्रिया से देखा है कि किस कदर आप एक एक पन्ना छः छः बार शुरुआत करके कहीं एक पैराग्राफ लिखा, कहीं दो पैराग्राफ लिखा, कहीं दो पन्ने लेके रद्द कर दिया और इतनी सारी रद्दी वो फिर बटोरी जा रही है, फिर आप कहते हैं कि बात बनी नहीं, उठान ठीक से हुआ नहीं। तो आपके लिए ये चलता फिरता काम नहीं है, कलम घसीटू किस्म के आलोचक आप नहीं है कि रोज पन्ने भरते भर लें और ये तय करें कि आज इतना लिख करके उठना है। आपके लिए एक बहुत भीतरी संघर्ष का मामला है ये। तो क्या आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि चुनौतियां वो नहीं रही, जो वो भी वो चुनौती नहीं थी, देखिए वो मजाक की बात थी कि भारत भूषण ने कहा कि लिख के तो दिखाएं, वो वैसी चुनौती नहीं थी, वो बहुत सारी चुनौतियां उसके अलावा बहुत सारी चुनौतियां, वैचारिक चुनौतियां महत्वपूर्ण थी, वो तो सब छोटी। क्या आपको लगता है कि वो चुनौतियां नहीं रही नहीं, या आपके ऊपर ये दबाव बढ़ गया और इधर तो आप आशीर्वादी हो ही गए? नहीं नहीं, ऐसा आशीर्वादी लाल तो नहीं हो गए हैं, लाल आपने कुछ नाम ही एक आदमी का आशीर्वादी। बिल्कुल इसको तस्लीम करता हूं मैं। एक बात में रह गई है जिसको मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि बीच का जो समय था 1974 में मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आया, 70 में मैं गया कविता के नए प्रतिमान लिखने के ठीक बाद मैं गया था जोधपुर 4 साल, और उसके बाद 1974 में आया जेएनयू। ये दो ऐसी चुनौतियां थी शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि एक एक जिम्मेदारी का पद मुझे मिला था और एक नया डिपार्टमेंट बना के दिखाना था। जोधपुर विश्वविद्यालय में मैंने विश्वविद्यालय के लिए बीए से लेकर के सिलेक्शंस तैयार किए थे, छपे थे, विश्वविद्यालय ने छापा था वो उन किताबों, और चुनौती थी कि जोधपुर में कुछ कर दिखाना चाहिए। नहीं, वो इस तरह का मॉडल है, वो किताबें तैयार की प्री यूनिवर्सिटी से लेके गद्य संकलन पद्य संकलन सारे तैयार किए। तो एक वो तैयार कराना और पढ़ाने का काम, एक यानी पहली बार हमको एक जिम्मेदारी का पद मिला कि जिसमें अध्यापक का भी धर्म निभाएं। ठीक वही स्थिति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नया डिपार्टमेंट स्थापित हुआ था। 74 से लेकर के मैंने 82 तक, लोग 6 साल के बाद सबेटिकल लीव लेते हैं, सबेटिकल लीव मैंने नहीं ली, उसमें डीन भी रहा। तो एक तो डिपार्टमेंट बनाना था, लोग हाथ पांव जोड़ करके केदार जी आए, मैनेजर पांडे आए, क्योंकि हमको जो विरासत में लोग मिले थे जिस टाइम से विभाग तो नहीं चलाया जा सकता था वो अलग। तो एक चुनौती और सेमेस्टर सिस्टम था, विश्वविद्यालय के शिक्षा जगत के अपने काम, एक दूसरी दुनिया थी कि हिंदी विभाग को समाज विज्ञान के इतिहास की इन लोगों के साथ जोड़ करके देखने की। समय कम होता जा रहा है, तो का जिक्र रहा है तो एक बात तो इसलिए हाँ आप कहेंगे ये एक ऐसा काम था जिसके कारण लेखन हमारा बाधित हुआ। बावजूद इसके बाद इतना ही कर लेता था, कम से आलोचना तो निकल जाती है उसमें, हर आलोचना में लिख तो देता हूं। तो काफी कुछ है इस पर चर्चा बार बार होती होती रहेगी। क्या ऐसा लगता है कि जेएनयू ने भी आपको दिया? जेएनयू में दूसरे विषयों में, इतिहास में, समाजशास्त्र में दो विभाग, हमारे सोशल साइंस का कॉलेज बहुत अच्छा था,
तो जो सेमिनार होते थे सबसे ज़्यादा चुनौती हमारे विद्यार्थी थे, वो इतना खुद पढ़ते थे, और जो सेमिनार होता था डिस्कशन होता था जिनमें एक्सपोजर ये हुआ कि कोई शाम जब ऊपर नहीं गए थे हम लोग तो जो A3 जो हुआ करता था L3 में रोज कोई ना कोई सभा होती थी, बहस होती थी, इसलिए जो एक्सपोजर था पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल और जो बहसें होती थी वो सुविधा तो जोधपुर में नहीं थी, वो तो JNU में थी, शायद कहीं नहीं थी नहीं वैसे भी। और हमारे जो स्वयं छात्र थे वो इतने सजग जागरूक थे कि आप उनके सामने बिना पढ़े हुए नहीं जा सकते थे, फेस नहीं कर सकते थे, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का वातावरण बहुत था। और JNU उस हालत में इसलिए शायद इसका एक दुष्परिणाम भी हुआ, वो ये कि जो बाद में उस दिन बात हो रही थी कि हिंदी का जो कोर्स मैंने बनाया शुरू में तो टेक्स्ट कम है और अप्रोचेस टू लिटरेचर थियरी आइडियोलॉजी सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर ये ज्यादा है, लेकिन बाद में इसको आपने ठीक भी किया, उसको मैंने बैलेंस किया, लेकिन शुरू मैंने वहां से किया था ताकि हमारे लड़के सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर पढ़ें या अप्रोचेस टू लिटरेचर पढ़ें तो इंग्लिश वालों को फिलासफी वालों को बता सकें बताएं कि हम थियरी पढ़ते हैं। क्या एक आलोचक को वाचिक परंपरा में जाना भी चाहिए या नहीं, और लिखित परंपरा और वाचिक परंपरा, लिखित शिल्प और वाचिक शिल्प, तो क्या इसमें क्या आप अंतर देखते हैं? कहीं वाचिक परंपरा नहीं थी, नुकसान नहीं किया? और दूसरी बात यह है कि क्या वाचिक परंपरा जो है वो एक तरह की प्रवचनात्मकता में नहीं बदल जाती है? और आप ये जानते हैं कि प्रवचनात्मकता का आजकल वो कितनी व्यावसायिक हो चुकी है जो समाज के विभिन्न मंचों से, एवं किसी भी तरह का प्रवचन आप करते हैं तो व्यावसायिक और पॉपुलिस्टिक होने के लिए विवश है, तो ये इस व्यावसायिकता और पॉपुलिज्म में जो है एक तरह का जो बौद्धिकता का डाइल्यूशन होता है उसका जो तरलीकरण और सरलीकरण आप उसको जो भी कहें ये सब होता है, क्या इस तरह के प्रश्न आपके सामने हैं? सही कहा आपने, जो लोग वाचिक परंपरा कहते हैं वो मेरी प्रशंसा में नहीं कहते हैं, निंदा में ही कहते हैं, और इतना ना समझ तो मैं नहीं हूँ कि इसे न जानूँ। ये तो और लोगों का अशोक जी ने चला रखा है, जबकि एक बात ज्यादा प्रवचन दे रहे हैं। एक पहलू तो उसका है कि जैसी श्रोता मंडली है, जैसा अवसर है, सीमा है, उससे वो व्याख्यान बंध जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, एक आध बात कोई निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन ऐसे भी आते हैं अवसर आए हैं, कुछ को टेप भी लोगों ने कर लिया है, मैं प्रकाशित नहीं कर सका क्योंकि उसकी भाषा वाषा ठीक करने की बात थी, जो नहीं सूझती थी वो कुछ ऐसे समुदाय के कुछ लोगों के की उपस्थिति मात्र से कुछ नई चीज़ें उस समय सूझ जाती हैं जो अपने कमरे में बैठे हुए अकेले लिखते नहीं सूझती। व्याख्यान दिया था बहुत अच्छे, इसलिए कहीं कहीं ऐसा हुआ है, मैंने बिहार में पटना में खगेन जी ने छापा है उसमें कुछ ऐसे हैं व्याख्यान, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अकेले कमरे में बैठ के नहीं सुन सकती थी। क्या आप उस तरह लगकर फोकस्ड काम करने और इस वाचिक परंपरा के जरिए पब्लिक इंटेलेक्चुअल का दायित्व निभाने के बीच में संतुलन की तलाश मुझे लगता है आपके मन में हमेशा रही है, लेकिन वो संतुलन निभ नहीं पाया, किन कारणों से ऐसा हुआ? आपको ऐसा कभी इस पर आप सोचते हैं? एक पहलू माने मैं अपने बचाव में नहीं कह रहा हूँ, चाहे तो ले लीजिएगा तो कोई हर्ज नहीं है, इस बीच और चीज़ों के अलावा मैं पाठक हूँ और मैं समझता हूँ कि दूसरे लोग इतना पढ़ते हैं, थोड़े से लोग ऐसे हैं ज़्यादा हो सकते हैं, मेरा अधिकांश समय जो है वो पढ़ने में जाता है, और दो तरह की चीज़ें, नए से नए लेखक जो लिख रहे हैं किसी कार्यक्रम के तहत नहीं, मैं बिना पढ़े रह नहीं सकता हूँ,
ये नहीं कि आज सवेरे कार्यक्रम चल रहा है इसलिए मैं चलूं, इसलिए पढ़ना है, इसलिए नए से नए सामग्री आ जाती है, पत्रिकाएं तो आती हैं, और एक औसत पाठक अपने समकालीनों को देखते हुए अगर मैं देखूं तो इधर छपी ही नए लेखकों की कहानियां, उनके उपन्यास, उनकी कविताएं, यहाँ तक कि उनके आलोचनात्मक लेख, कोई चाहे तो इंटरव्यू लेकर के मेरी जांच कर ले कि मैंने पढ़ी तो उसके बिना नहीं रह सकता। अलावा उसके विदेशी पत्रिकाओं में छपते हैं हमारे पास, तो जिराक्स करने अभी मैं लाइब्रेरी तो मेरा नशा है, साहित्य अकेडमी लाइब्रेरी से जितनी किताबें मैं लेता हूँ और जितनी मैंने फोटोकॉपी कराई है, जेएनयू लाइब्रेरी में पहला काम करता हूँ जाता हूँ तो इतनी फोटोकॉपी करा के मैगजीन से ले आता हूँ। बीच में ये तो आपकी आदत हमेशा से रही है, लेकिन इस समय वो चीज़ ऐसी क्योंकि खाली और उस टाइम में हम यही है जिससे मैं भरता हूँ, तो इतना अच्छा पढ़ने के लिए मिलता है तो लिखने का जी ही नहीं करता है। तो अच्छा पढ़ने के लिए मिलता है इसलिए लिखने को जी नहीं करता। अच्छा एक चीज और बताइए, हमारे समय का आलोचनात्मक स्पेस आपको कैसा लगता है इस समय? देखिए रचनात्मक जहां तक सवाल है, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास का मामला कुछ कमजोर है, कहानी का इक्के दुक्के, इस बीच की आलोचना का मंगलेजी हाल यह है कि विमर्श ज्यादा है वो आलोचना नहीं है। जब से दलित विमर्श और स्त्री विमर्श और भूमंडलीकरण विमर्श होने लगा है तो जो लोग न अर्थशास्त्र जानते हैं न समाजशास्त्र जानते हैं, जिन चीजों की कोई जानकारी नहीं है, फैक्ट्स फिगर्स इनके पास नहीं है, जैसे कि चुनाव लड़ने के लिए अपना वोट बैंक साहित्य में जमा करने के लिए लिख रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था कि कोई एक कविता या एक कहानी जो लग रही है पढ़ें और पढ़ करके उस पर कुछ देर तक चलें। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, असद जैदी की कविता आई, हंगामा लोगों ने खड़ा कर दिया, उसको ढंग से पढ़ो तो सही, खामखा उसको आदमी सूली पर चढ़ा रहे हैं उस आदमी को, असद जैदी को। कुछ कहीं अभी मैंने पढ़ा उस पर एक लेख रविंद्र त्रिपाठी का था शायद, अच्छा लेख, बहुत अच्छा लेख लिखा है। उस कविता को बिना समझे हुए रामचंद्रों और कुछ देख करके कोई नाम छोड़ करके लोगों ने उसको ना मालूम क्या क्या कह दिया, वो बहुत अच्छी कविता वर्तमान के बारे में, हाँ वर्तमान के बारे में, इसलिए लोग उसको 1857 का इतिहास देख रहे हैं, वो इतिहास 1857 का नहीं है, वो कविता है। इसलिए मुझे बहुत, एक रविंद्र त्रिपाठी का वो लेख मुझे लगा कि कम से कम कविता उसने ध्यान से पढ़ी है, तब मुझे लगा कि इसी तरह से ध्यान से और कविताएं क्यों नहीं पढ़ी जा रही है, बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं, इतनी अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं, नए नए लोग अभी राकेश रंजन का मैंने जिक्र किया, लड़का है, हाँ नया बिल्कुल ताजगी है उसमें, और इसी तरह के मैं बताऊं कहानियां भी बहुत अच्छी कुछ कुछ आ रही हैं, ज्यादा नहीं, उपन्यास उतना अच्छा नहीं आ रहा है जिस मात्रा में आना चाहिए, जिस संख्या में। आपने अभी कहा कि विमर्श की बहुतायत हुई है, तरह तरह के विमर्शों की, अगर विमर्शों की बहुतायत शब्द के सही अर्थों में और गंभीर अर्थों में हुई हो तो फिर शोध परक लेखन, खोज परक लेखन भी काफी होना चाहिए, चिंतन परक लेखन भी होना चाहिए, अगर वाकई विमर्श बन रहे हैं या विमर्शों के विकल्प प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से हिंदी में ऐसा कुछ होता नहीं लगता, तो आपको क्या क्या कारण है ये इतना विमर्श प्रेम और खोज और शोध संबंधी लेखन का लगभग अभाव, घिसी पिटी बातों को बहुत क्रांतिकारी मुद्रा के साथ कहना, इतिहास लेखन करते हुए तथ्यों की पूर्ण उपेक्षा और अवहेलना करना, ये सब कुल मिलाकर के क्या हम इस तरह का कोई कड़ा वक्तव्य दे सकते हैं कि हिंदी में अकादमिक संस्कृति का पतन हो रहा है और हुआ है? ऐसा है कि जिस तरह से बाजार में क्विक रिच वाली मनोवृत्ति बढ़ी है, उसी तरह से तुरंत फुरत मशहूर हो जाना और लाइमलाइट में आ जाना इस कारण लिख रहे हैं। यही कारण है कि जो सच्चे अर्थों में आर्काइव्स ढूंढ के सोच करके निकालना ये काम,
और चिंतन करके सारी कविताओं का सर्वेक्षण न करो, चुन करके तुम 10 ही कविताएं चुनो और गहराई से उस पर विचार करके किताब दे दो, तो अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। 4 कहानियों पर अच्छी तरह से लेख लिख दें, 1 उपन्यास पर आप गहराई से विचार कर दें, पुनर्मूल्यांकन कर दें पहले वाली लिखी हुई कृति का। ये काम जो होना चाहिए किन्हीं कारणों से, क्योंकि उसमें मगर उसमें होती है मेहनत ज्यादा, मगर उसमें होती है मेहनत ज्यादा, तो मेहनत ज्यादा होती है नहीं करते। मुझे तो लगता है कि साहित्य भी मीडिया के बहुत निकट आ गया है और साहित्य पर ये बाजारवाद का असर है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। अभी चूंकि चर्चा हुई तो आपने बहुत यात्राएं की है विदेश में भी और देश में भी, हर जगह जाते रहे आप, भाषण देते रहे, कौन कौन सी जगहें आपको बहुत अच्छी लगी? जगहें अच्छी यानी जिन मैंने अपने समकालीनों की अपेक्षा मैंने कम ही यात्राएं की हैं, देश में तो बहुत की है, विदेश का ऐसा है कि रूस जी, जब समाजवादी था 67 या 68 में गया था, उसके बाद 5-6 बार गया, बदलते हुए रूस को देखा। लंबे समय तक मैं 2 महीने करीब पहली यात्रा में ही था, जितना देखा जिन बड़े बड़े लोगों से मिला जो अब नहीं है जी, फॉर्मलिज्म का वो लेखक जो हाँ विक्टर शुक्लोवस्की से मैं मिला हूँ, मेरे साथ उनके साथ फोटो भी मैंने खिंचवाया है, तो कुछ बहुत लाभदायक हुई, बदलती हुई चीजें देखी और प्राकृतिक दृश्य भी जगह जगह के देखे। और दूसरा जर्मनी तो हम केदार जी साथ ही गए थे, उसके पहले पूर्वी जर्मनी गया था मैं, फ्रांस कुछ एक बार जाने का मौका मिला। सबसे बढ़िया मुझे अनुभव हुआ हो ची मिन्ह का जो है वियतनाम और कम्पूचिया। वो 15 दिन जो वियतनाम कम्पूचिया के बीते हैं और तब कम्पूचिया में वो खूनी काम हो चुका था, नोट वोट गायब हो चुके थे, उसके ठीक बाद पहुंचा था मैं पोलपोत के बाद। तो ये कुछ देखा, लेकिन उसके डायरी मैंने उस समय नोट कर रखी थी, रूस के होने वाले उन परिवर्तनों के बीच से गुजरा था, खुश्चोव का दौर खत्म हुआ था उस दौर में था, फिर ब्रेजनेव वाले में भी गया मैं, उसके बाद वाले दौर में भी गया, ध्वस्त होने की 1 साल पहले गया था। और उन यात्राओं में से अविस्मरणीय मेरी एक यात्रा जो करीब 1.5 महीने की थी, जिसमें उमाशंकर जोशी थे और निहार रंजन राय थे, तो उन तीनों में फ्रांस, हंगरी और पूर्वी जर्मनी बर्लिन, वो देखा। तो जो जगहें देखी और जिन साहित्यकारों से मिले हम, जिन कलाकारों से, बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, उससे ज़्यादा इन दोनों आदमियों के साथ का जो निहार रंजन राय और उमा शंकर जोशी के साथ, तो उनके साथ जो 24 घंटे का था वो अद्भुत अनुभव था, कभी लिखने लायक है। लेकिन आपने लिखा नहीं उसको? कहीं हमारी डायरी में नोट, डायरी में सब नोट करके रखा, सोचा था कभी लिखूंगा। और अपने देश में भी कौन कौन शहर आपको अच्छे लगे, वहाँ के लोग, वहाँ की रचनात्मक? लगभग पूरा भारत देखा है, कश्मीर तो किसी समय कई बार और बहुत काफ़ी दिन तक रहे, दार्जिलिंग, अभी शिलांग गया था, और मणिपुर में तो जाते ही थे क्योंकि JNU का हिस्सा था मणिपुर, वहाँ हमारा सेंटर था, अंडमान निकोबार, और इन तमाम जगहों में जो चीज़ जगह जो जगह मुझे बहुत पसंद आई वो केरल, मैं केरल बहुत गया हूँ। अच्छा, और अनेक बड़े साहित्यकारों से, जी शंकर कुरुप से लेकर के तगड़ी से शंकर पिल्ले, बहुत समय बिताया है। जब नौजवान होता था जो उपन्यासकार है MT वासुदेवन नायर, MT जब नौजवान लड़का था, मातृभूमि में काम करता था, तो तब MT से मिला था। केरल के साहित्यकारों से बहुत गहरा संबंध रहा है। अब अगर समय हो रहा हो तो हम लोग डॉक्टर साहब से कुछ आधुनिक बाजारवादी इंस्टेंट सवाल पूछ लें। समय अभी है, समय की कोई सीमा नहीं है, जब तक हम लोग बातचीत। नहीं, इसलिए वो आधुनिक बाजारवादी इंस्टेंट सवालों को छोड़े और जिस तरह के प्रोबिंग हिंदी भाषी क्षेत्र में कौन से, शायद पटना भोपाल वगैरह जाते रहे तो वहाँ
का माहौल कैसा लगा आपको उसके बारे में? बहुत यादें हैं भोपाल तो सब, हम सभी लोग बहुत गए हैं, और अशोक जी के जमाने में, एक जमाने में का जो भोपाल था वो सच में सांस्कृतिक केंद्र था, इसमें कोई शक नहीं है। तो भोपाल तो यूँ याद है कि जब मध्य प्रदेश कला परिषद थी, भारत भवन नहीं बना था, तो एक रात भोपाल में मुक्तिबोध और हम और परसाई घूमते रहे, सोए ही नहीं, ताल के किनारे रात भर घूमते, वो बहुत निकट से उस समय मुक्तिबोध को देखा है। अच्छा, ये तो बहुत, तो भोपाल की कई यादें हैं, तो पटना और इलाहाबाद की भी यादें होंगी। हाँ, इलाहाबाद का तो न कही, इलाहाबाद का तो बनारस इलाहाबाद की दूरी ही कितनी थी, यानी हर हफ्ते हम पाए जाते थे इलाहाबाद में। और इधर आपका बनारस आना जाना फिर काफी बड़ा है। मैंने कहा बनारस आना जाना इस बीच काफी हुआ आपका। मेरा आपका ज्यादा हो रखा है। नहीं, आपका तो हमेशा ही ज्यादा रहा है। लेकिन अब आज का बनारस कैसा लगता है आपको, कुछ ऐसा वो बनारस जो जिसमें आपने हिस्सा लिया था और आज का बनारस जो नॉस्टैल्जिया कहेंगे लोग, लेकिन वो बनारस जो आप भी थे मैं भी था वो अब नहीं है। इतना बदल गया है कि कुछ कहने लायक नहीं है। उस बदले हुए बनारस को लेके काशी ने काफी लिख दिया है रेन पर रघु में। अब एक ऐसा सवाल करूं आपसे कि अगर आज आपको विकल्प दिया जाए कि आप बनारस लौट सकें तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये विकल्प आपके सामने हो के आज की दिल्ली और आज का बनारस, वो है ना, जब मैकदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की कैद, मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई खानकाह हो, अब तो कहीं भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अब कुछ नहीं। बनारस के साथ जिन व्यक्तित्वों को आपके आपकी स्मृति में जो जुड़ते हैं उनमें से कुछ की चर्चा हम लोगों ने की अभी तक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ आप पंडित जी के साथ अपने संबंध के बारे में, और अभी जो एक बात आपने कही वो मुझे रोचक लगी कि मुक्तिबोध की कविता के प्रसंग में पंडित जी ने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आती। दूसरी तरफ हम लोग पंडित जी को परंपरा से गप लगाता आधुनिक उनके बारे में वाजपेयी जी ने ये फ्रेज इस्तेमाल किया है, और वाकई उस तरह के पारंपरिक आचार्य के तौर पर देखें तो पंडित जी की संवेदना बहुत ही आधुनिक, डेमोक्रेटिक और डायनेमिक लगती है। कविता की नहीं, कविता की समझ उनकी काफी पुरानी थी। हाँ, तो ये इसी अंतर्विरोध कह लीजिए, विरोधाभास कह लीजिए, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ कि इस पर पंडित जी की इस पर आपकी कभी चर्चा हुई। एक पंडित जी के व्यक्तित्व का की झलक भी मिलेगी। उन दिनों 51-52 के का जो मार्क्सवादी कट्टरता मुझमें थी, शाम को घूमने निकले तो पंडित जी से मैंने कहा कि पंडित जी आप क्या तुलसीदास ने लिखा था कि जाके प्रीण राम वैदेही तजी ताहि कोटि वैरी सम जद्द परम सनेही। प्रसंग था विश्वविद्यालय के अंदर का, कुछ साहित्य के भीतर, कि जाके प्रीण राम वैदेही तजी ताहि कोटि वैरी सम जद्द परम, आइडियोलॉजी की यानी आस्था कमिटमेंट। बोले कि मैं नहीं मानता इसको, तुलसीदास जो थे जितने जो रूण जाता अल्लाह मियाँ से नाता। जवाब था उनका, मैं घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ। मैं घर गृहस्थी वाला तो ये ताही कोट में मैं क्यों इसको मानूं, मैं नहीं मान सकता। अगर लेकिन अंत में उन्होंने एक दोहा जो बार बार दोहराते थे कि पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया अब क्या करना बाकी, व्योमकेश दरवेश चलो अब गंगा तट एकाकी। ऐसा कूट कभी आपके भीतर नहीं भरता ना? मेरे मन में ना। ये गुरु और शिष्य का फर्क महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। इससे बेहतर अंत इस बातचीत का हो नहीं सकता, भले ही ये एकाएक अटपटा लगे या अचानक लगे। केदार जी ने इतने महत्वपूर्ण फर्क को अपने सहज कवित्व के साथ रेखांकित किया है, और इसी कामना के साथ ये बातचीत हम लोग समाप्त करें कि नामवर जी के मन में गंगा तट अकेले एकाकी जाने का भाव कभी उत्पन्न न होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।